आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी दोनों वीडियोस माता चिंतपूर्णी जी और माता ज्वाला जी के मंदिर की पूरी जरूर देखिए, बिना स्किप किए देखना। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी और गंगा मैया के दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। आप सभी को प्रणाम। आज हम आए हैं माता चिंतपूर्णी के मंदिर में और आज हम आपको उनके पूरे दर्शन कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, धन्यवाद। मंदिर के अंदर के लिए आप अगर प्रसाद लेना चाहते हैं तो इस स्थान पर आप प्रसाद ले सकते हैं। और आप देखें तो ये मंदिर है, ये सामने इसकी दुकान है, यहाँ से आप उनका प्रसाद अंदर के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, अगर आप चाहे तो फ्री पार्किंग कर सकते हैं। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आइए अब चलते हैं माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर के दर्शन के लिए और साथ ही मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त था, उसने इस स्थान की खोज की थी। उसका जन्म अठोर गांव में पटियाला रियासत में हुआ था। माईदास के दो भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास सदैव ही माता की भक्ति में लीन रिया करते थे, इसलिए उनका ध्यान घर के कामों में बिल्कुल नहीं था। इसलिए उनके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम कहीं और जाकर रह लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो एक दिन वह ससुराल जा रहे थे और जंगल था, एक जंगल में उन्होंने वट वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहा। जब वह विश्राम कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में माता खुद आई और उन्होंने उस दुर्गा भक्त यानी माईदास को दर्शन दिए और कहा कि यहाँ तुम मेरा एक मंदिर बनवा दो। माईदास हैरान होते हुए माता से बोला कि माता, यहाँ पर मैं आपके लिए मंदिर कैसे बना सकता हूँ और आप तो मुझे कह रही हैं कि उस मंदिर की संभाल भी करना, पर यह तो असंभव है क्योंकि यहाँ पर ना रहने के लिए कोई जगह है, ना ही मेरे पास पानी है और ना ही मेरे पास कोई खाना है। तो माता ने उससे कहा कि भक्त, यहाँ पर जहाँ पर भी तुम चाहो कोई भी एक शिला लो, उसे जमीन से निकाल दो तो वहां से तुम्हें पानी की प्राप्ति हो जाएगी। और जंगल में बहुत अनेक वृक्ष हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के फल लगते हैं, तुम उससे अपना गुजारा कर सकते हो। तो फिर भक्त ने वैसा ही किया, एक शिला उठाई जिसके नीचे से पानी निकल आया और अभी भी वह शिला माता के मंदिर के साथ रखी हुई है। और जिस जगह पर पानी निकला था वहां पर आज भी अच्छा सा बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है और उसी जल से माता का अभिषेक किया जाता है। माता का यह मंदिर उनके 51 शक्तिपीठों में ही आता है। यह माना जाता है कि यहाँ पर माता के चरण गिरे थे। इस मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर जी के मंदिर हैं। यहाँ पर हमने एक पंडित जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भक्त यहाँ से यानी माता चिंतपूर्णी जी का प्रसाद ज्वाला जी लेकर जाते हैं तो उनके साथ ज्यादातर समय दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप यहाँ पर जाएं तो यह ध्यान रखें कि माता का प्रसाद ज्वाला जी ना लेके जाए,
ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो सके। माता का यह मंदिर बहुत ही भव्य इमारत के रूप में बना हुआ है। यहाँ पर हर साल लाखों भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। माना जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे माता का यह मंदिर बनाया हुआ है, उस वृक्ष पर अगर आप बौली मानते हैं तो आपकी मनोकामनाएं माता जल्द ही पूर्ण कर देती हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और मौली बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हजारों भक्त माता के इस मंदिर में आकर बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं और अपनी खुशियों के लिए माता के आगे प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर बहुत ही ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और ऊपर खुला आसमान है। माँ चिंतपूर्णी जी के मंदिर की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।